हाय नीरज, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक नॉलेज। हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. हैप्पी हैलोवीन टू यू. ग्रेट आप क्या, ग्रेट। किस चीज पे ड्रेसअप कराया आपने आज? इसी चीज के बारे में मेरी एक फनी स्टोरी है, मैंने आपसे शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ जी ऑल ऑल द थ्री कॉस्ट्यूम्स यू वोर बिफोर एंड इवन टुडे, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब विद द मेकअप। इट इज थैंक यू. एक्चुअली अ टैलेंट टू बी एबल टू यू नो ड्रेस अप दैट वे एंड एक्चुअली डू द मेकअप वेयर योर फेस एक्चुअली लुक्स लाइक द कैरेक्टर एंड ऑल दैट, स्पेशली विद द हाँ सुपरमैन थिंग। लाइक आई लुक्ड एट द पिक्चर, इट्स लाइक ओ वाओ, इट एक्चुअली लुक्स लाइक एनिमेटेड इन अ वे, एंड देन यू डिड द अदर मेकअप। सो आई मीन या दैट्स डेफिनेटली अ टैलेंट, यू नो। थैंक यू. कोई तो टैलेंट मेरा अप्रिशिएट करता है, मतलब कि नो कोई नो मेरा मेकअप डेफिनेटली अच्छा नहीं देखता. नहीं, क्योंकि इट टेक्स लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कलर्स एंड एवरीथिंग लुक। लाइक आई डोंट नो टू मच अबाउट मेकअप, बट आई कैन सी लाइक व्हेन यू डू द मेकअप प्रॉपरली इट एक्चुअली कम्स थ्रू विद लाइक मैचिंग द क्लोथ्स एंड ऑल दैट। आई नो इट इज अ मल्टी लेयर प्रोसेस। हाँ, इट टेक्स टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो अभी घंटे लगेंगे. तो नहीं, वो द आई फनी, या आई एम नॉट गोना टेक टू मच आपका टाइम, लेकिन बट आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी के जिसने आपने अभी ये जो हॉलोवीन का मसला खड़ा हुआ है ना, मुस्लिम फैमिलीज में प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर कॉट बिटवीन ट्राइंग टू बी सेक्युलर एंड ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस ऑल्सो। अब मेरी जो बैकग्राउंड, आपको तो पता है मेरी वाइफ हिजाबी एंड ऑल दैट है, उसका मेरे इन लॉज सारे वेरी रिलीजियस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग दे ट्राई टू बी वेरी रिलीजियस बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू इंडल्ज इन द वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो। तो सारे बच्चे अब काफी एक दो हफ्ते से शुरू हुए हुए हैं कि भाई हॉलोवीन आ रही है, दे वॉन्ट टू ड्रेस अप। उनके नेबरहुड में सब बच्चे जाएंगे ट्रिक और ट्रीट करेंगे। अब ऑब्वियसली ट्रिक और ट्रीट ये वाली हमारी जो फैमिली है उसमें मसला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि भाई रिलीजियस डॉक्ट्रिन है और यू नो डोंट ड्रेस अप एज द डेवल, और ये वो आपको तो पता है सारा जो यू नो जो मुस्लिम फैमिलीज का होता है कि भाई हॉलोवीन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वैलेंटाइन्स को जो भी चीज जो इस्लाम के अंदर नहीं है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो अब मसला है, बच्चे सारे कह रहे हैं कि दे वॉन्ट टू गो, माई किड्स वॉन्ट टू गो। अब आई एक्चुअली एंडेड अप मेरी बेटियों के लिए मैंने कॉस्ट्यूम्स ऑर्डर कर दिया अमेजोन से because they wanted to go, and so like okay no problem, you know I would take you out for trick or treating। अब कॉस्ट्यूम्स आए कल परसों तो लड़ाई हो गई। लाइक माय वाइफ इज लाइक ये क्यों ऑर्डर किया, मतलब बच्चों ने ट्रिक और ट्रीट के लिए जाना होगा। शी इज लाइक नो, ये नहीं कर सकते, ये इस्लामिक नहीं है। अब बच्चे सारे अपसेट कि वो काफी देर से वेट कर रहे थे कि लाइक दे'ल गेट द कॉस्ट्यूम, दे'ल गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, एंड नाउ इस्लाम जंप्स इन, इज लाइक नहीं इस्लामिक तौर से अलाउ नहीं है, सो नाउ यू आर नॉट अलाउड टू वेयर दिस कॉस्ट्यूम। नाउ दे गो टू देयर कजन्स हाउस, उनके कजन्स ने भी और कॉस्ट्यूम्स तैयार करने की कोशिश की, बिकॉज स्कूल में तो ये प्रोजेक्ट होता है कि आप अपना कॉस्ट्यूम बनाओ ये वो। उनके हाँ पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे आज शाम को। तो कॉम्प्रोमाइज क्या किया उन्होंने, दिस इज इंटरेस्टिंग कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज ये किया कि लेट्स पुट ऑन द कॉस्ट्यूम एंड गो वन डे बिफोर द हॉलोवीन so that you can enjoy the costume and do the whole Halloween sort of thing, but don't do it on the day of the Halloween because that would be the going against the religion। यार, आई जस्ट डोंट गेट इट. आई आई डोंट गेट नो इट. इट इज मेरे सच, समझ इट नहीं इज आती. टॉर्चर, बट लाइक इस तरह की चीजों में दो कश्तियों में पैर रखने का दिमागी तौर से बच्चों को टॉर्चर। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आई अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है, बट इट्स जस्ट सो वियर्ड के लाइक लेट्स ड्रेस अप एज द हॉलोवीन थिंग एक दिन बिफोर सो दे गेट टू वेयर देयर कॉस्ट्यूम एंड एंजॉय, बट सिंस दे आर नॉट डूइंग इट ऑन द डे ऑफ द हॉलोवीन इस्लामिकली यू आर ऑल्सो सेफ, कि वी डिडंट डू समथिंग अगेंस्ट द इस्लाम, बट एट द सेम टाइम इफ इट्स डे बिफोर और डे आफ्टर देन इट्स ओके। इट्स लाइक सच अ जलेबी सिचुएशन, यू नो। इट डजंट मेक अ डिफरेंस. वही तो है ना भाई, लॉजिक लॉजिक है ही नहीं. लॉजिक से बात अगर बंदा करे तो उनसे पूछो भाई, फर्क क्या पड़ जाता है एक दिन वही या तो बात उस है, दिन लॉजिक का. इस्तेमाल नहीं होती ना बेसिकली। जहां भी रिलीजन आ जाता है ना तो वो माइंड को इतना कंट्रोल कर देता है कि लाइक यू कैन नॉट पुट लॉजिक इन देयर। लाइक लॉजिक का तो काम ही नहीं है, बस है कि इस्लाम ने बोल दिया कि किसी और की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, बट दैट्स इट, डजंट मैटर। अब उसमें आप अपना लॉजिक नहीं लगा सकते, बस हो गया कि भाई इस्लाम ने मना कर दिया, दूसरों की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, इस्लाम में सिर्फ दो ईद है, यू नो, एंड मगर दैट्स द देखो ओनली ईद। नीरज जी, मगर एट द सेम टाइम अभी जो हमारे पास कॉलर आए थे वो यहीं से थे, मिसेस सागा से. तो वो यही कह रहे थे ना कि नहीं, लाइक इवन दो मिसेस सागा, वो जो है वो खुद ही कह रहे थे कि इस्लाम का गढ़ बन गया है वहां पर.
मगर वो ये कहते हैं ना कि वो उनके बच्चे जाते हैं, दे आर डूइंग इट, तो देर वही आर मोर, ना, यू नो, आई ऐसे एग्री. बहुत से करते हैं मुस्लिम मुस्लिम पेरेंट्स लेके ऑफकोर्स. जाते हैं, मैं खुद अपने बच्चों को लेके जाने लगा था, बट ऑफ कोर्स यू नो जो ज्यादा ही अपने आप को रिलीजियस में डालने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं वी गोना फॉलो टू द लेटर, जो भी कुरान में है हदीस में है वो टू द लेटर फॉलो करूंगा मैं, तो फिर उसमें फिर यही वाला सिचुएशन हो जाता है, उल्टी सीधी कॉम्प्रोमाइजेस बन रही होती हैं. एक दिन पहले कॉस्ट्यूम वैसे पहन लो. वैसे सारा साल कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे होते हैं पागलों वाला. I mean that I just found that kind of funny. सारा साल वैसे घूम रहे होते हैं. मैं कहती हूँ कि जो लड़कियां होती हैं ना जो हिजाब पहनती हैं, उनको हैलोवीन पे बगैर हिजाब के जाना चाहिए. नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हूँ. एक्चुअली माय मेरी जो छोटी डॉटर है ना, सबसे छोटी नहीं, उससे जो मिडल वाली है, शी इज अबाउट 13, तो नाउ शी इज वेयरिंग, वाओ, मेरी वाइफ की वजह से वो हिजाब हिजाब पहन रही है. तो मैंने बोला तुमने क्या कॉस्ट्यूम पहनी है, कहती है द कॉस्ट्यूम आई विल वेयर इज आई विल वेयर माई हिजाब एंड आई विल वेयर अ विग ऑन टॉप दैट आई एम श्योर आई एम गोइंग आउट विदाउट विद माई हेयर ओपन, दैट विल बी माई कॉस्ट्यूम. यार वही ना, मगर वही बात आ जाती है, वही पॉइंट ये है कि आपके बाल के साथ आप कैसी लगोगी, तो इट्स द सेम थिंग. मगर just wanted to share this, like these are the struggles of people who try to be very Islamic but then they want to enjoy the secular things too, you struggle is real, believe me. know.